जय हिंद दोस्तों, आजाद ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सभी ट्रैक्टर्स का बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो लेकर आते हैं और ये सभी कंपैरिजन वीडियो मेनली इन पॉइंट्स के आधार पर होता है, जैसे कि इंजन, प्राइस, पीटीओ, हाइड्रोलिक्स एंड स्टेयरिंग, गेयरबॉक्स एंड कम्फर्ट, ब्रेक्स एंड क्लच, एक्सलेंट टायर, डायमेंशन, सर्विस एंड वारंटी और आखिरी में इन सभी को मिलाकर 10 में से कुछ स्कोर दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, जो ट्रैक्टर 10 में अधिक स्कोर करेगा वह इस कंपैरिजन का विनर बनेगा। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सहायता जरूर करें। तो करना, तो चलिए आज का कंपैरिजन शुरू करते हैं। आज हमने कंपैरिजन के लिए महिंद्रा की तरफ से नोवो 655 DI को लाया है, जो कि CIDI के साथ में आता है। और आपको बता दें कि यह ट्रैक्टर CIDI वाले ट्रैक्टर का दूसरा लॉट है और इसमें इसके हाइड्रोलिक्स को चेंज किया गया है। इसके अलावा इसमें 6 साल की वारंटी महिंद्रा देने लगा है। और यही दूसरी तरफ फार्म ट्रैक का 6065 और यह भी CIDI के साथ में आएगा। और यह दोनों ट्रैक्टर आपको मार्केट में जल्द ही मिलने वाला है। और दोनों ट्रैक्टर के फीचर्स, इंजन, इन सभी को देखने के बाद तो दोनों ट्रैक्टर के बीच में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फार्म ट्रैक 6065 की बात कर लेते हैं। और ये वाला जो ट्रैक्टर है ये न्यू लुक के साथ में आने वाला है, जो कि बिल्कुल ही शार्क की तरह दिखाई देता है। तो चलिए सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। इसमें 3680 cc का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें कि फार्म ट्रैक ट्रैक्टर्स में जितने भी इंजन आते हैं वो सभी AVL टेक्नोलॉजी के तहत बने होते हैं। AVL टेक्नोलॉजी का मतलब इंजन में जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज हुए होते हैं ये सब काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जैसे कि इंजन लाइनर, पिस्टन रॉड, पिस्टन रिंग, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, वॉल्व, ये सभी काफी अच्छे क्वालिटी के बनाए होते हैं। इसके अलावा इसके टर्बो चार्जर में आपको इंटरकूलर देखने को भी मिल जाएगा। और यह ट्रैक्टर 60 HP का पावर 2200 जनरेटेड RPM पर प्रोड्यूस करेगा और लगभग 251 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मिल जाएगा। और यही दूसरी तरफ नोवो 655 के इंजन को देखें तो इसमें 3823 cc का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन देखने को मिल जाता है और EGR आपको दोनों ट्रैक्टर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यह भी CIDI के साथ में आता है और इसमें जो इंजन ऑयल फिल्टर है यह ऑयल कूलर के साथ में मिल जाता है। और यह ट्रैक्टर पहले 65 HP में आता था, लेकिन जब से इसमें CIDI दिया गया है तो इसका पावर लगभग 68 HP का हो गया है, जो कि 2100 जनरेटेड RPM पर मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें जो टॉर्क है ये आपको 250 न्यूटन मीटर से अधिक का देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही ट्रैक्टर CIDI के साथ में है, लेकिन महिंद्रा में आपको पावर मोड्स देखने को मिल जाता है, जो कि 3 तरह से होते हैं, डीजल सेवर, नॉर्मल और पावर मोड। तो इस बड़े ट्रैक्टर से आप छोटे मोटे काम करने हो, जैसे ट्रॉली खींचना, तो इन सभी काम को भी आप डीजल सेवर मोड में चलाकर कम डीजल खपत में कर सकते हैं। और यही दूसरी तरफ फार्म ट्रैक में ऐसा कुछ पावर मोड देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इसमें आपको पावर मोड देखने को नहीं मिलने वाला है। और नोवो 655 पहले टर्बो चार्जर के साथ में नहीं आता था, इसमें अब टर्बो चार्जर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो टर्बो चार्जर है बिना इंटरकूलर के साथ में आता है, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आगे देखने वाली बात है कि कहीं इसका जो इंजन है ये टर्बो की वजह से गर्म तो नहीं होगा, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको फार्म ट्रैक में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और नोवो 655 में 197 ग्राम पर HP आवर SFC देखने को मिल जाता है, और यही फार्म ट्रैक 6065 में लगभग 185 ग्राम पर HP आवर का SFC मिल सकता है। और आपको बता दें कि अभी तक ये ट्रैक्टर का जो ऑफिशियल जानकारी है अच्छे से नहीं मिल पाया, तो थोड़े बहुत जो कुछ डाटा है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। और फार्म ट्रैक को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि यह अपने ट्रैक्टरों में अपने HP कैटेगरी के हिसाब से हमेशा अधिक टॉर्क देने की कोशिश करता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जैसे कि आप इसी में देख सकते हैं, यह 60 HP का ट्रैक्टर होने के बाद भी नोवो 655 जो कि 68 HP का ट्रैक्टर है, जो कि इससे एक लेवल का ऊपर का ट्रैक्टर है, उसको काफी अच्छे से टक्कर दे सकता है। और दोनों ही ट्रैक्टर में आप 13-3 वाले कल्टीवेटर को भी खींच सकते हैं। और आपको डिजाइन में कौन सा ट्रैक्टर पसंद आया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फार्म ट्रैक का यह शार्क वाला जो लुक है यह अब मार्केट में आपको दिखने लगेगा। तो दोनों ही ट्रैक्टर्स को यहाँ पर इंजन के लिए एक एक नंबर मिल जाते हैं। और फार्म ट्रैक 6065 8-9 लाख एक शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाएगा। और यहीं दूसरी तरफ नोवो 655 9-10 लाख एक शोरूम प्राइस के बीच में मिल जाता है। तो यहाँ पर फार्म ट्रैक का जो ट्रैक्टर है यह नोवो 655 से आपको लगभग 1-1.5 लाख रुपए कम में ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कीमत के मामले में फार्म ट्रैक को फिर से 1 में से 1 मिलते हैं और महिंद्रा को 1 में से आधा नंबर ही मिलेंगे। और फार्म ट्रैक में आपको 52.4 HP का 6-speed PTO देखने को मिल जाएगा। और इसके 4-wheel वाले वेरिएंट में आपको 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स PTO का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा जो इसका 2-wheel वाला वेरिएंट है उसमें आपको मल्टी स्पीड एवं रिवर्स PTO स्पीड का भी ऑप्शन मिल सकता है।
और नोवा 655 में 59 HP का 6 स्पलाइन PTO मिल जाता है, जो कि दो प्रकार के PTO स्पीड के साथ में आएगा। पहला 540 स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स PTO स्पीड, और इसका टॉप मॉडल 540 स्टैंडर्ड प्लस 540 इकोनॉमी प्लस रिवर्स PTO स्पीड, तो इतने प्रकार के PTO स्पीड इसमें मिल जाते हैं। तो दोनों ही ट्रैक्टर में जो PTO HP है ये तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है अपने कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन जो PTO स्पीड है इसमें थोड़ी लिमिटेशंस मिल जाते हैं। इस HP कैटेगरी के ट्रैक्टर्स में कंपनियों को अब मल्टी स्पीड PTO तो देना ही चाहिए, तभी तो आप इस बड़े ट्रैक्टरों से भी जैसे छोटे मोटे कुछ काम, जनरेटर, वाटर पंप ये सब चलाने हैं तो भी आप इन बड़े ट्रैक्टरों से मल्टी स्पीड PTO की मदद से चला पाएंगे। तो यहाँ पर PTO स्पीड में कमी होने की वजह से दोनों ट्रैक्टर्स को आधे आधे नंबर ही मिलेंगे। फार्म ट्रैक 6065 में टेंडम टाइप का पंप देखने को मिल जाएगा, और इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है यह 2500 केजी तक का देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आपको डबल DC वाल कंपनी फिटेड मिलेगा और लिफ्टोमेटिक भी मिल जाता है, जो कि खेतों में हल चलाना और भी आसान कर देता है। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, जो कि सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में आएगा, जिस वजह से इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो आपको लंबे समय तक वैसा का वैसा ही देखने को मिलता रहेगा। अच्छा, और यही दूसरी तरफ नोवा 655 में सेपरेट पंप देखने को मिल जाता है, और इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है यह 2600 केजी तक का हो सकता है, और इसमें कंपनी फिटेड डबल DC वाल्व और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग ये सब मिलेगा, और यही फार्म ट्रैक में आपको लिफ्टोमेटिक एक्स्ट्रा मिल जाता है। और आपको बता दें कि महिंद्रा का ये वाला जो पंप है इसका परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाता है, और यही रीजन है कि लोडर एवं डोजर जैसे इंप्लीमेंट के लिए महिंद्रा के इसी प्रकार के ट्रैक्टर्स को अधिकतर यूज में लाया जाता है, और यहाँ पर फार्म ट्रैक के पंप में भी कोई कमी नहीं छोड़ा है। और आपको बता दें कि ये वाला जो पॉइंट है ये 2 अंक का रखा गया है, इसमें फार्म ट्रैक को पूरे 2 में से 2 अंक मिलते हैं और नोवा 655 को 2 में से 1.5 अंक ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें लिफ्टोमेटिक जैसा सुविधा नहीं दिया हुआ है। और जो फार्म ट्रैक में पोजीशन कंट्रोल ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है ये भी काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। चलिए गियर बॉक्स की बात कर लेते हैं, और अधिकतर किसान भाई फार्म ट्रैक के इस मॉडल में किस प्रकार के गियर बॉक्स आते हैं उसको अभी तक नहीं समझ पाए, तो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। फार्म ट्रैक में आपको गियर बॉक्स के लिए 3 लीवर देखने को मिल जाएगा, जिसमें से एक है स्पीड लीवर जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 देखने को मिलेगा, और दूसरा रेंज लीवर जिसमें हाई लो मिल जाएगा। इसके अलावा एक एडिशनल गियर दिया हुआ है जो कि है शटल शिफ्ट लीवर, और यह भी आपको ड्राइविंग सीट के लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बिल्कुल स्पीड लीवर जैसे ही होगा, और इसमें फॉरवर्ड, रिवर्स और एक स्पेशल गियर, या फिर आप इसे क्रीपर गियर भी बोल सकते हैं, तो कुछ इतना कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो इसके तहत इस ट्रैक्टर में आपको 16 फॉरवर्ड प्लस 8 रिवर्स गियर मिल जाता है, तो कुल मिलाकर इसमें 24 गियर मिलते हैं। तो हमें यह उम्मीद है कि अब आपको इसका जो गियर अरेंजमेंट है यह समझ आ गया होगा, और इसका जो फॉरवर्ड गियर है यह 8+8 करके होगा, इसी वजह से यहाँ पर 16 फॉरवर्ड हो जाता है। और इसमें सिंट्रोमेस टाइप का गियर बॉक्स दिया जाएगा, और यही नोवा 655 में 15 फॉरवर्ड प्लस 15 रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें 20 फॉरवर्ड प्लस 20 रिवर्स गियर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें 2 मॉडल मिल जाएंगे, तो आप कोई से भी गियर बॉक्स वाला वेरिएंट ले सकते हैं। और इसमें भी सिंक्रोनस गियर बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा 33 किलोमीटर पर आवर का फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों स्पीड मिल जाएगा, और फार्म ट्रैक में भी आपको 30 से अधिक का फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड देखने को मिलेगा। और दोनों ही ट्रैक्टर में सस्पेंडेड टाइप के पैडल्स मिल जाते हैं, जो कि काफी आरामदायक है, और दोनों ही का जो एक्सेलेटर पैडल है ये भी बिल्कुल कारों की तरह ही काफी सही डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा दोनों का प्लेटफॉर्म काफी ऊंचाई पर दिया गया है, और दोनों में चढ़ने के लिए आपको लेफ्ट साइड में 2 फुट स्टेप देखने को मिल जाता है, और दोनों ट्रैक्टर में प्लेटफॉर्म को काफी अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है, और जितने भी गियर लीवर्स और बटन है ये सभी चीज आपको बिल्कुल सही जगह पर मिल जाएंगे, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन दोनों ट्रैक्टर में सब चीज डिजाइन किया गया है। और महिंद्रा में तो आपको ये पहले से ही मिल रहा था, लेकिन फार्म ट्रैक में यह जो प्लेटफॉर्म है ये अभी अभी मार्केट में नया आया है, तो फार्म ट्रैक ने भी इस बार प्लेटफॉर्म में काफी अच्छा काम किया हुआ है, और दोनों ट्रैक्टर में आपको हीट प्रोटेक्टर देखने को भी मिल जाएगा, तो इस बार कंफर्ट लेवल आपको दोनों ट्रैक्टर में बराबर देखने को मिलेगा। और इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए समझ आ रहा है कि फार्म ट्रैक ने इस ट्रैक्टर को काफी अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर दोनों ही गियर बॉक्स काफी अच्छे हैं, लेकिन महिंद्रा में आपको अधिक गियर स्पीड देखने को मिल जाते हैं, और फार्म ट्रैक में उसके मुकाबले थोड़े कम है, जिस वजह से फार्म ट्रैक को 1 में से 0.5 नंबर मिलेंगे और महिंद्रा को पूरे 1 में से 1 नंबर मिलते हैं। चलिए ब्रेक्स एंड क्लच की बात कर लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको ऑयल इमर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोनों ही ट्रैक्टर में डबल क्लच दिया हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ा है दोनों ट्रैक्टर्स ने, तो दोनों ही ट्रैक्टर्स को 1 में से 1-1 नंबर मिल जाएंगे। चलिए एक्सल्स एंड टायर्स की बात कर लेते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में आपको फ्रंट और रियर दोनों ही एपिसाइक्लिक रिडक्शन के साथ में मिल जाएगा, और यहाँ पर आप टायर साइज को देख सकते हैं जो कि दोनों में सेम दिया हुआ है।
और इतने भारी भरकम ट्रैक्टर में इस प्रकार का एक्सल तो देना ही था। और यहाँ पर भी दोनों ट्रैक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके लिए दोनों ट्रैक्टर्स को एक में से एक एक नंबर मिल जाते हैं। चलिए डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप 9655 के डायमेंशंस को देख पा रहे होंगे और अभी हमें फार्म ट्रैक 6065 एटम इसका डायमेंशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाया है। जितना मैं फार्म ट्रैक के ट्रैक्टरों को समझता हूँ उससे यह तो समझ में आ ही गया है कि वेट और डायमेंशन के मुकाबले में यह 9655 से पीछे नहीं रहेगा और दोनों ट्रैक्टर में आपको लगभग 400 से अधिक mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दोनों ट्रैक्टर्स को एक में से एक एक नंबर देते हैं। चलिए सर्विस एंड वारंटी की बात कर लेते हैं। फार्म ट्रैक में आपको 5 ईयर या 5000 आवर की वारंटी मिल जाएगा और 9655 में 6 ईयर या 6000 आवर की वारंटी देखने को मिलता है। और पहले 9655 में 6 ईयर का वारंटी नहीं मिलता था। अभी CRDI के साथ में जो नया मॉडल हाल ही में आया है जिसमें हाइड्रोलिक को चेंज किया गया है, यहां से आपको इसमें 6 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा नोवो में डिजीसेंस का भी फीचर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप एक ऐप के थ्रू अपने ट्रैक्टर्स को मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक्टर्स की सभी गतिविधियों पर उस ऐप के जरिए नजर रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें 400 घंटे का सर्विस इंटरवल मिल जाएगा और सर्विस इंटरवल अधिक होने से आप अच्छा खासा समय और पैसा सब बचा सकते हैं। इससे टाइम की भी बचत, पैसे की भी बचत, यानी बचत ही बचत। और फार्म ट्रैक से भी यही उम्मीद है कि इसका भी जो सर्विस इंटरवल है ये भी आपको 400 घंटे या उससे अधिक का देखने को ही मिलेगा। और फार्म ट्रैक के फेंडर में जितना भी लाइट दिया हुआ है यह सब LED लाइट्स हैं। तो यहाँ पर दोनों ट्रैक्टर्स को एक में से एक एक नंबर मिल जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा अब अपने आने वाले सभी ट्रैक्टरों में 6 साल की वारंटी देगा, क्योंकि जिस हिसाब से यह अपने जितने भी नए सीरीज आ रहे हैं जैसे कि टेक प्लस और XP SP इसमें तो मिलता ही था, अब नोमो में भी 6 साल का कर दिया है। तो यह किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है। ये भी खुश, तू भी खुश, अपन तो वैसे खुश। और 9655 में फ्रंट व्हील के लिए भी आपको मडगार्ड मिल जाएगा। चलिए अब वर्डिक्ट की बारी, देखते हैं कि कौन सा ट्रैक्टर्स कितना स्कोर किया है। तो यहाँ पर फार्म ट्रैक 6065 को 10 में से पूरे 9 नंबर मिलते हैं और 9655 को 10 में से 8.5 नंबर ही मिलेंगे। तो पॉइंट्स के हिसाब से इसका विनर डिसाइड हो गया है, जो कि है फार्म ट्रैक 6065। तो इस ट्रैक्टर के लिए तालियां हो जाए। और वाकई में फार्म ट्रैक ने काफी अच्छा काम इस ट्रैक्टर में किया हुआ है। अगर फार्म ट्रैक अपने मार्केटिंग में और सर्विसिंग में और भी अच्छे से ध्यान दें तो यह भी अपने ट्रैक्टरों को काफी अच्छे से किसानों तक पहुंचा सकते हैं। और महिंद्रा हमेशा से सेलिंग के मामले में तो किंग ही रहा है। हम बाहुबली हैं। और 60 HP का यह ट्रैक्टर 9655 जैसे दमदार ट्रैक्टर को यहाँ पर बीट कर दिया, जो कि काफी बड़ी बात है। थैंक यू। और आप जिस भी ट्रैक्टर्स का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं, हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी और कंपैरिजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।